फ्रेंड्स देखिए, आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम पिस्ता फ्लेवर और राजभोग फ्लेवर की दो लेयर और बीच में मैंगो। ये मैंने सबसे पहले मैंने पिस्ता फ्लेवर को दूध में मिक्स करके 4-5 मिनट उबाल कर ठंडा किया। ठंडा करके इसको हल्का सेट करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने इसमें ये मैंगो कट करके डाल दिए। देन ये जब ये आधा सेट हो जाएगा उसके बाद मैंने ये राजभोग फ्लेवर तैयार करके रखा है, इसको ठंडा करके इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए मैं अभी डाल रही हूँ, ये आधा सेट हो चुका है, इसमें मैंगो भी डाल दिए हैं, ये पिस्ता फ्लेवर है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड भी मिलाया था इसीलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अपन वैसे कस्टर्ड की जगह मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं लेकिन मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था तो इसलिए मैंने कस्टर्ड यूज़ किया है थोड़ा सा उसको थिकनेस देने के लिए। अब ये देखिए राजभोग फ्लेवर मैं इसके ऊपर डाले दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने राजभोग फ्लेवर डाल दिया है और ये मैंगो के जो पीसेस थे वो पूरी तरह ढक चुके हैं, हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। अब इसको मैं एयर टाइट डिब्बा है इसको अच्छे से बंद कर दूंगी और फ्रिज में जमाने के लिए रख दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए। इस तरीके से घर पर आइसक्रीम बनाना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बच्चों को नुकसान भी नहीं करती। मैंने चीनी भी इसमें कम डाली है तो, और इसमें फ्रूट्स भी हैं तो उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। बाहर की चीज़ें कम यूज करें, घर पर बनाए वो ज़्यादा अच्छा है। आप सब भी एक बार ट्राई करके देखें। बाय बाय गाइज़।